हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मुकेश कुमार सिंह, केमिस्ट्री फैकल्टी फ्रॉम पटना। आज एक क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं, चलिए देखते हैं। ये हेनरी लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन करते हैं। इफ N2 गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर, आप यहां समझने का कोशिश करिए। इफ N2 गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर, इसका मतलब है कि आपके पास कोई कंटेनर है, उसमें कोई लिक्विड है। लिक्विड यहाँ क्या है, वाटर है, और इस वाटर में N2 गैस आपको मिक्स है, तभी तो इससे बबल आउट हो रहा है। ठीक है, बबल थ्रू वाटर बाहर निकल रहा है, इसका मतलब है कि N2 गैस मिक्स्ड है किसके साथ, वाटर के साथ। एट 293 केल्विन टेम्परेचर कितना लिया गया है आपके पास, 293 केल्विन पे। देखते हैं ये टेम्परेचर कांस्टेंट ही होना चाहिए बाकी सब कंडीशन में। नेक्स्ट है हाउ मेनी मिलीमोल्स। तो आप नंबर मिलीमोल्स ऑफ N2 गैस वुड डिजॉल्व, तो आप यदि N यानी नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिएगा N2 गैस का, तो आपको मिली मोल भी उसी से क्या हो जाएगा, फाइंड आउट हो जाएगा। आप जब उसमें 1000 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कन्वर्ट कर जाएगा किस चीज में, मिली मोल्स में। तो ये पूछ रहा है कि भाई कितना होगा, यानी ये N फाइंड आउट करिए नंबर ऑफ मोल्स, 1000 से मल्टीप्लाई करिए, मिली मोल्स में आपको कन्वर्ट कर जाएगा N2 गैस। ठीक है, हाउ मेनी मिली मोल्स ऑफ N2 गैस वुड डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। आपको पता है कि नॉर्मल कंडीशन पे वाटर का जो डेंसिटी होता है 1 ग्राम पर cc होता है, यानी 1 लीटर का मतलब हो गया आपके पास कितना, इसको नंबर ऑफ मोल्स में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, 1 लीटर का मतलब हो गया कि 1000 ग्राम है। इसका ग्राम और मिलीलीटर दोनों सेम ही होगा, इसको आप डिवाइड करिए कितना से, 18 से। ये है सॉल्वेंट, तो इसको हम कैपिटल N से डिनोट कर लेते हैं, तब इसका वैल्यू आ जाएगा 55.55। जब आप डिवाइड करेंगे तब, तो इतना मोल पता चल गया हम, 1 लीटर वाटर को कन्वर्ट कर लिए कितना, 55.55 मोल में कन्वर्ट कर लिए। ठीक है, अज्यूम दैट, ठीक है, N2 एग्जर्ट ए पार्शियल प्रेशर ऑफ इतना बार, यानी पार्शियल प्रेशर स्मॉल पी से डिनोट करते हैं, किसका, N2 का आपके पास दिया हुआ है 0.987 वर। गिवेन दैट हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर N2 एट 293, देखिए ऊपर भी कंडीशन था 293 केल्विन पे, और यहां भी कंडीशन है आपके पास 293 पर, इतना दिया हुआ है किलो बार, यानी केज का वैल्यू आपके पास दिया हुआ है 76.48 किलो बार। आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए बार में, क्यों कन्वर्ट करना है बार में, क्योंकि आपको यहाँ जो पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है N2 का वो बार में है, तो केज का वैल्यू हो जाएगा आपके पास 76.48 इंटू 1000 बार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हेनरी लॉ कांस्टेंट का वैल्यू दिया है तो ये तो पता ही है, तो आप अकॉर्डिंग टू हेनरी आपने पढ़ा है कि पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू होता है KHX। यहाँ पार्शियल प्रेशर गैस का, मोल फ्रैक्शन भी यहां होना चाहिए किस चीज का, गैस का। ठीक है, तो केज का वैल्यू दिया हुआ है, पार्शियल प्रेशर का वैल्यू दिया हुआ है, तो हम केज ही निकाल लेते हैं सबसे पहले, सॉरी मोल फ्रैक्शन गैस का निकाल लेते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास कितना, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस डिवाइडेड बाई केज, नीचे चला जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस है 0.987 डिवाइडेड बाई केज का वैल्यू कितना है, 76.48 इंटू 1000। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो लमसम आ जाएगा आपके पास कितना, 1.29 इंटू 10^-5। ऊपर भी बार में है, नीचे भी बार में है, दोनों कैंसिल हो गया, इसलिए यहाँ कोई हम यूनिट, यहाँ कोई भी यूनिट नहीं लिखा जाएगा, यानी मोल फ्रैक्शन गैस का आ गया, गैस कौन सा है,
एन टू गैस, इसका वैल्यू आ गया 1.29 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है कि कितना हाउ मेनी मिली मोल्स ऑफ एन टू गैस वुड डिजॉल्व, मिली मोल्स। तो मोल फ्रैक्शन से हम मोल पे पहुंचेंगे, मोल पे पहुंचने के बाद हम मिली मोल्स पे भी चले जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। आपने पढ़ा है कि मोल फ्रैक्शन किसी भी पार्टिकुलर, जैसे यहाँ एन टू गैस है तो पार्टिकुलर नंबर ऑफ मोल हो जाएगा डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल। ये कैपिटल एन आ गया किस चीज का, सॉल्वेंट का यानी वाटर का, ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन टू गैस। नेक्स्ट आप देखिए, इसमें ये एक्चुअली डायलूट सॉल्यूशन है, हम लोग को ट्वेल्थ में पढ़ना है डायलूट सॉल्यूशन के बारे में। तो डायलूट सॉल्यूशन होने की वजह से हम क्या कर लेंगे, जो एन प्लस एन है तो इसको हम नेग्लिजिबल मान लेंगे, तो हमको सॉल्व करने में सुविधा होगी, कैपिटल एन ले लेते हैं। ठीक है, आपको इसका इन्फॉर्मेशन पता है, एन कैपिटल एन का वैल्यू आपने पहले ही निकाल लिया है, कहाँ, इस जगह पे, वन लीटर ऑफ वाटर में कितना 55.55 मोल होता है, तो आप इसको पुट करिएगा तो आप इस तरीके से एन का वैल्यू आप निकाल लेंगे। तो चलिए पुट करते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन कितना है आपके पास, 1.29 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 इज इक्वल टू अ स्मॉल एन डिवाइडेड बाई कैपिटल एन यानी 55.55। तो एन का वैल्यू आपके पास कितना आ जाएगा, 1.29 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 इंटू 55.55, ये आ गया आपके पास किस टर्म में, मोल के टर्म में, मिली मोल के टर्म में लीजिएगा तो 1.29 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 इंटू 55.55 इंटू क्या कर लीजिएगा आप, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, आप पूरा सॉल्व करिएगा तो आ जाएगा 0.716 मिली मोल, ये आ जाएगा आपके पास आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस सवाल को बना सकते हैं। आप यहां देख लीजिए, ये पूरा को आप एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0.716 मिली मोल ऑफ N2। स्ट्रेटेजी समझिए सबसे पहले न्यूमेरिकल बनाने का, उसके बाद में सब धीरे धीरे बन जाता है। इसको ध्यान से एक बार दो बार देखिए, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट है, NCERT का है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। थैंक यू।